आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। क्या पढ़ना है? सेल वॉल। हाँ, सेल वॉल पढ़ना है। तो बुक्स पे देखें, वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। ठीक है, तमाम जो जानदार हैं उनके गिर्द सेल वॉल होती है। ऐसे ही होता नहीं, तमाम के गिर्द नहीं होती। किताब पर गौर करें तो पता चले, किताब पर देखो वहाँ लिखा हुआ नॉट, सारे जानदारों के गिर्द सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ पौधों के अंदर होती। फॉर एग्जांपल एनिमल्स में भी नहीं होती, और बहुत एनिमल लाइक प्रोटेस्टा, एनिमल लाइक प्रोटेस्टा के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग है और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से बनी हुई, सेल के स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है जो मजबूती देती है, जो सहारा देती है। लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर वाली ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, और इसके जो बाहर वाली तय है वो सेल वॉल कहलाएगी। इट प्रोवाइड्स शेप, ये शेप देती है, शक्ल देती है, और स्ट्रेंथ ताकत देती है, मजबूती देती है, प्रोटेक्शन अंदर वाले ऑर्गेनेल्स की हिफाजत करती है, एंड सपोर्ट द इनर लिविंग मैटर, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का जो है वो सारे अंदर जो लिविंग इसके ऑर्गेनेल्स हैं, अज्जा हैं, इनको जिंदा रखती है, इनको संभालती है, इनका ख्याल रखती है। प्लांट सेल्स हैव ए वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन द सेल वॉल, पौधों के जो सेल वॉल है ये सेल वॉल है, ये बाहर वाली जो सारी ये सेल वॉल है, पौधों की जो ये सेल वॉल है इसके अंदर जो है वो बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं। आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी सेल वॉल, जो इसकी बाहर वाली तय है ये वाली, इसकी बाहर वाली तय है इसे कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। इन मेड ऑफ सेलुलोज, जो कि सेलुलोज में बनी, ज़्यादातर पौधों में सेलुलोज की बनी हुई होती है। सम प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल जाइलम सेल्स हैव सेकेंडरी सेल वॉल, और कुछ जो प्लांट सेल हैं जैसे कि जाइलम सेल वॉल, ये एक पौधा बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, इस पौधे की जड़ों के अंदर से एक बहुत मोटी सारा पाइप नुमा के ये एक पाइप ऊपर आ रहा था, इसे कहते हैं जाइलम टिश्यूज, इसे कहते हैं। ये जाइलम का एक पाइप होता है जो नीचे से पानी और नमकियात जड़ों से लेके वो पत्तों को देता है, पत्तों तक पहुंचाता है, इस पत्तों तक पहुंचा देता है। ये जो इसकी इसकी सेल वॉल है ना, जाइलम की जो सेल वॉल है, इनके इसके अंदर जो सेल यूज होंगे, ये वाले जो सेल यूज होंगे, इसके अंदर जो सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है, मतलब कि ये सेल वॉल है इसकी प्राइमरी, और इसके अंदर एक और सेल वॉल होगी वो सेकेंडरी सेल वॉल होगी, SECONDAR सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल इसके यूज होगी। अच्छा, और इसके अंदर इट इज़ द मच थिकर एंड कॉन्टेन लिग्नन, ये जो प्राइमरी के साथ जो सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं वो ज़्यादा मोटी होती है, और इसके अंदर केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है लिग्नन। केमिकल का नाम क्या है? लिग्नन। हाँ, देर आर ए पोर्स इन द सेल वॉल एट एडजेसेंट सेल्स, ठीक है, और इन सेल्स के दरमियान में सुराख भी होते हैं, और इस सुराख का जो नाम है वो है प्लाज्मोडेस्माटा। ये देखें, ये सेल वॉल के अंदर ये सुराख पाए जाते हैं, इन सुराखों को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। थ्रू दिस साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म कनेक्ट होता है। अब ये इसके अंदर है सुराख, और इधर से दूसरे साल आपस में जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन करते हैं, एक सुराख से दूसरे सुराख को जोड़ देते हैं, जिससे चीज़ों का तबादला भी होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल इसको एनर्जी चाहिए, इसको राइबोसोम चाहिए, इसको प्रोटीन चाहिए, उससे एनर्जी का तबादला मॉलिक्यूल्स की आमदोरफ्त ट्रांसपोर्ट होती रहती है, तो उस सुराखों को कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। फंजाई एंड मैनी प्रोटेस्टास हैव सेल वॉल, बहुत सारे प्रोटेस्टास के अंदर सेलुलोज नहीं होती, प्रोटीन इसके अंदर उसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की नहीं बनी हुई, सेल वॉल
सेलुलोज की नहीं बनी होती, इसकी जगह पे काइटिन CHITIN हमने वो उसमें पढ़ा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में टेबल के अंदर के बाकी सारी जानवरों के जो है वो सेलवाल पौधों की वो सेलुलोज से मिलके बनी है और फंजाई के जो सेलवाल है वो काइटिन की मिलके बनी है। किससे बनी है? काइटिन से। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेलवाल ऑफ फंजाई, फंजाई की सेलवाल जो है वो काइटिन से बनी है। प्रोकैरियोट्स हैव ए सेलवाल, प्रोकैरियोट्स की जो सेलवाल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, दैट इज कम्प्लेक्स ऑफ द अमाइनो एसिड एंड शुगर, और इसके अंदर अमाइनो एसिड और शुगर के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं जो प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं? प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं? ठीक है, प्रो का मतलब फाल्स और कैरियोटिक ट्रू, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ठीक है, फाल्स न्यूक्लियस वाले। प्रोकैरियोटिक्स ऐसे सारे जानदार जो यूनिसेलुलर होते हैं और उनका न्यूक्लियस भी, ये जो न्यूक्लियस हमने बनाया है इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, इसके अंदर जो सामान है वो पूरा नहीं मौजूद होता, एक दो सामान होते हैं जैसे कि उसके अंदर सिर्फ क्रोमोसोम्स होंगे ओपन पड़े होंगे, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है उनके अंदर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं, कैसे ओपन ही पड़े होंगे। इसके अंदर जो है न्यूक्लियर प्लाज्म ऐसे ओपन ही पड़ा हुआ होगा और दो तीन मटेरियल पड़े होंगे, बाकी और कुछ नहीं पाया जाएगा ठीक है, और इसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक्स जो यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और जो मल्टी सेलुलर होंगे और वो उन्हें क्या कहेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, उन्हें क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक, YOTIC यूकैरियोटिक। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? यू न्यूक्लियस वाले, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी ज्यादातर मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं, और ये जो है ज्यादातर यूनिसेलुलर पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को पता है ना, यूनि का मतलब सिंगल सेल वाले और मल्टी का मतलब बहुत ज्यादा सेल, एक से ज्यादा सेल पे पाए जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई?